हे गेमर्स, हमारे पास आ चुका है रियल मी 9 प्रो प्लस, सोनी सेंसर वाला कैमरा, वो भी 25,000 में। रियल मी है तो सब पॉसिबल है। तो आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और साथ ही में करेंगे फ्री फायर मैक्स गेमिंग रिव्यू। तो हमेशा की तरह पूरी रिव्यू करेंगे, डिस्प्ले सेंसिटिविटी से लेकर परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सब कुछ। और इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि क्या ये फ़ोन गेमिंग के लिए भी बेस्ट रहने वाला है या नहीं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पहले फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही हमें मिलता है पैम्पलेट, जिसमें सिम इजेक्टर टूल, पेपर वर्क मिल जाते हैं। इसके अलावा हमें मिलता है फ़ोन। तो देखने में ये काफ़ी हद तक सिमिलर है रियल मी 9i से। फिलहाल इसे साइड में रखते हैं। और लास्ट में हमें मिलता है टाइप सी केबल और 60W का एडेप्टर। तो बस हो गई अनबॉक्सिंग, अब फ्री फायर रिव्यू देख लेते हैं। उससे पहले कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। तो डिस्प्ले में ऑल हाई सेटिंग ऑन हो जाता है, हाई रेजोल्यूशन, शेडो, हाई FPS, सब कुछ। और ये चारों फिल्टर्स भी ऑन हो जाते हैं। तो अब मैं एक क्लैश स्क्वाड और एक फुल मैप गेमिंग करूंगा और देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। तो डिस्प्ले में एज सच कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला। सेंसिटिविटी स्टैंडर्ड है फ़ोन का, आराम से वन टैप ड्रैग या 360 ग्लू लग जाती है, पर उतना हाई सेंसिटिविटी वाला फील नहीं हो पाता। तो हैवी मूवमेंट वगैरह के लिए ये फ़ोन थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है, बट फिर भी ज़्यादा पता नहीं चलता। ओवरऑल डिस्प्ले ओके है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो गेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से क्लैश स्क्वाड या फुल मैप गेमिंग हो जाती है मैक्स अल्ट्रा सेटिंग्स पे बिना फ्रेम ड्रॉप या लैग के। बात करूँ अगर गेमिंग के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो ये भी आराम से हाई सेटिंग्स पर बिना लैग के हो जाता है। तो अगर आपको गेमिंग करनी है वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, तो आप इस फ़ोन में लंबे समय तक कर पाओगे। तो परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बैटरी बैकअप डिसेंट है, आराम से 4 घंटे से ज़्यादा गेमिंग हो जाती है, वो भी मैक्स सेटिंग पे। हीटिंग की बात करूँ तो हीटिंग भी नॉर्मली बोलूँगा मैं, काफ़ी लंबा खेलने से थोड़ा सा हीट फील होता है, बट गेमिंग में इतना नॉर्मल है, तो ज़्यादा हीटिंग इशू वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब अगर बात करूँ कि क्या ये फ़ोन 25,000 के प्राइस पर लेना सही रहेगा या नहीं, तो अगर आपको इस प्राइस पर बेस्ट कैमरा के साथ नॉर्मल गेमिंग वाला फ़ोन चाहिए, या यूँ कहूँ कि अगर आपको स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी चलेगा तो फुल्ली गेमिंग के लिए भी आप इस फ़ोन को ले सकते हो, परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ओवरऑल ये फ़ोन एक ऑलराउंडर फ़ोन है इस प्राइस पर। तो रिव्यू में बस इतना ही। रिव्यू काम की लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।